अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर की पोएम नंबर 1 द रेन बाय W.H. डेवीज को स्टडी करेंगे। द रेन का मतलब है बारिश। अभी मैं एक एक स्टैंजा को ट्रांसलेट करके उसको एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपने इनको किस तरह से परफॉर्म करना होगा पेपर में। अभी के जो लाहौर बोर्ड हैं उनके क्वेश्चन आंसर आते हैं 8 नंबर के पोएम्स में से, 2 नंबर का एक सवाल होता है और टोटल आपने 4 करने होते हैं आउट ऑफ 6। ये लाहौर बोर्ड के लिए है और उसके अलावा उनको साथ स्टेंजा दिया जाता है एक किसी भी पोएम से। आपके टोटल 20 पोएम्स हैं, उनमें से किसी एक से वो आपको एक स्टेंजा उठा के दे देंगे और आपने उस स्टेंजा का रेफरेंस यानी कि उसका पोएट और पोएम कौन सी है, उसका कॉन्टेक्स्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है और ये सारा होता है 5 नंबर के लिए। तो बेसिकली पोएम्स जो हैं ये आपके 8 और 5 नंबरों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा इनके सिनोनिम्स आ सकते हैं आपके MCQs में जो कि टोटल 20 नंबर के होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी आपको सिनोनिम्स मिलेंगे जो कि पोएम्स में से आए हुए होंगे। और जो फेडरल बोर्ड हैं, फेडरल बोर्ड को पोएम्स में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसको उन्होंने 6 नंबर के लिए करना होता है, 6 नंबरों का एक लॉन्ग क्वेश्चन। और उसके अलावा उनको एक स्टेंजा दे दिया जाता है किसी भी पोएम से और उस स्टेंजा के साथ उनको 3 सवाल दिए जाते हैं और आपने उन सवालों के जवाब उस स्टेंजा के अंदर से पढ़ के देने होते हैं और ये भी उनके आता है टोटल 6 नंबर का। तो फेडरल बोर्ड के लिए टोटल 12 नंबर यहाँ से बनते हैं। उसके अलावा भी इनके सिनोनिम्स MCQs में आ सकते हैं। आइए पहली पोएम को स्टडी कर लेते हैं। आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, मैं सुनता हूँ पत्तों को बारिश पीते हुए। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैं सुनता हूँ अमीर पत्तों को ऊपर। गिविंग द पुअर बीनीथ, नीचे गरीबों को देते हुए। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा ब कतरा। टिस अ स्वीट नॉइस टू हियर, ये एक मीठी आवाज़ है सुनने के लिए। दिस ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ये जो हरे पत्ते करीब पी रहे हैं या कह लें बारिश का पानी पी रहे हैं। इसमें पोएट जो है वो एक बारिश के मंजर को बयान कर रहा है कि जिसमें इसने बारिश में देखा कि एक दरख्त है जिसको जो कि पत्तों से भरा हुआ है। जब बारिश आती है तो पहले हमेशा वो ऊपर वाले पत्तों को शराबोर करती है, ऊपर के जो पत्ते हैं वो अच्छी तरह पानी से सैर हो लेते हैं पहले, इसलिए उनको कह रहा है कि वो जो ऊपर वाले पत्ते हैं जो कि टॉप पे हैं वो हमारे रिच लीव्स हैं कि अमीर किस्म के पत्ते हैं। और जब ऊपर वाले पत्ते सारे के सारे सैर हो लेते हैं, अच्छी तरह गीले हो जाते हैं, फिर वो एक एक कतरा करके नीचे वाले पत्तों को दे रहे होते हैं, इसलिए पोएट कहता है कि जो नीचे वाले पत्ते हैं वो हैं पुअर लीव्स, इसलिए उनको कह रहा है कि वो गरीब हैं। और वो इस फिनोमेना को फिर हमारी दुनिया के सिस्टम के साथ कंपेयर कर रहा है। आप कह सकते हैं दरअसल वो दुनिया के सिस्टम को मेटाफोरिकली ये एक बारिश के मंजर में बयान कर रहा है। कहता है कि हमारी दुनिया का निज़ाम भी कुछ ऐसा ही है कि जितने भी अमीर लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, तमाम के तमाम रिसोर्सेज पर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, तमाम ज़राए पहले उन्हीं के पास आते हैं, वो सारे उन्हीं के हैं और वो अच्छी तरह सैर होके अपने पेट भर के और कह सकते हैं कि बैंक अकाउंट्स भी भर के उसके बाद थोड़ा थोड़ा कतरा करके जो नीचे गरीब लोग हैं जो कि मजदूर तबके के आ जाते हैं उनको सिर्फ देते हैं। फिर कहता है कि जो पत्तों के ऊपर आके बारिश की कतरे गिर रहे हैं, जो टिप टिप हो रही है, वो एक बहुत ही मीठी आवाज़ पैदा कर रहे हैं और ये सुनकर जो पोएट है, जो शायर है, उसको बहुत खुशी मिलती है, अंदर से सुकून मिलता है इस मंजर से। ये आपका पहला स्टैंजा था। फिर सेकंड स्टैंजा है, एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज बाहर आता है। आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब ये बारिश रुक जाएगी। अ वंडरस लाइट विल फिल, एक बहुत ही चमकीली रोशनी भर देगी। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर काले गोल कतरे को। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज खूब चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, ये एक बहुत ही प्यारा मंजर होगा। नाउ इन द सेकेंड स्टैंजा पोएट इज एक्चुअली होपिंग फॉर द फ्यूचर, वी कैन से ही इज होपिंग बेस्ट फॉर द फ्यूचर, कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ये उम्मीद है उसकी कि फ्यूचर में जो आपका सिस्टम है दुनिया का ये तब्दील हो जाएगा। तो कहता है कि जो अभी बारिश चल रही है, जो करंट निज़ाम है दुनिया का, ये रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और फिर सूरज बाहर आएगा, एक नया सिस्टम जो है वो राइज होगा दुनिया में और वो
हर कतरे में, हर जगह पे मौजूद जो जो काले गोल कतरे हैं सबको रोशनी से भर देगा। मतलब सबको रोशनी मिलेगी, बारिश की तरह नहीं होगी कि पहले जो अमीर पत्ते हैं उन्हीं को मिले और फिर वो सिर्फ कतरा कतरा गरीबों को दें, बल्कि रोशनी होगी जो हर तरफ फैलेगी और सबको बराबर रोशनी मिलेगी और वो हर चीज़ को रोशन कर देगी। तो कहता है कि यही उम्मीद कर रहा है कि जो नया निज़ाम होगा वो ज़्यादा देर चले, कि जो सूरज है वो खूब चमके, वो ज़्यादा देर चले, एक अच्छा सिस्टम चले। और बकौल शायर के वो ये उम्मीद कर रहा है कि जो फ्यूचर में ये मंज़र होगा वो बहुत ही प्यारा मंज़र होगा और वो बेहतरीन वक्त होगा। ये एक्सप्लेनेशन थी आपके सेकंड स्टैंजा की। अब जो लाहौर बोर्ड के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने ये करना है, जब उनको कोई स्टैंजा दिया जाए तो आपने पढ़ के पहचान करनी है कि ये कहाँ से आया हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर इन दोनों से कोई स्टैंजा आता है तो आपको पढ़ के पहचान हो जानी चाहिए कि इट इज़ अ स्टैंजा फ्रॉम पोएम द रेन बाय WH डेवीज। रेफरेंस में आपने पोएट और पोएम का नाम लिखना होता है। पहले आप लिखते हैं पोएम का नाम और उसके नीचे पोएट का नाम, ये होता है आपका रेफरेंस। इसके बाद आपने लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं आपने एक मरकजी ख्याल सा लिखना होता है कि जो मेन पॉइंट क्या है, मेन थीम क्या है इस पोएम का, वो आपने लिखना है। उसके बाद आप लिखते होते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आपने जो आपको गिवन स्टैंजा है, आपने उस स्टैंजा की कंप्लीट डिटेल लिखनी होती है कि उस स्टैंजा से क्या समझ आता है और शायर जो है वो स्टैंजा के अंदर, उस बन के अंदर क्या कहना चाह रहा है, उसमें आपकी फिर डिटेल आती है थोड़ी। और ये टोटल होता है आपका 5 नंबरों के लिए। फिर इसमें से क्वेश्चन आंसर्स बन जाते हैं, जो कि अभी हम एक्सरसाइज वाले भी डिस्कस करेंगे। हाउ एवर, पोएम के अंदर से भी क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो पोएट है पोएम द रेन में बारिश को किस चीज़ से कंपेयर कर रहा है, ठीक है, बारिश को वो क्या चीज़ बयान कर रहा है, नए सिस्टम से क्या मुराद है, सूरज के बाहर निकलने से क्या मुराद है, ये सवाल बन सकता है। वो ये हो सकता है कि पोएम का मेन थीम लिख दें, मेन आइडिया क्या है वो लिख दें। अब जो फेडरल बोर्ड हैं उनको भी इसी तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और वो उन्होंने पूरे 6 नंबर का करना होता है। इसी तरह का एक सवाल बन जाता है जिसको आपने ज़रा डिटेल में बताना होता है। अगर आप इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हैं तो आप प्लीज़ फर्स्ट ईयर का जो पहला लेक्चर है उसके अंदर आपके लाहौर बोर्ड के अलहदा और फेडरल बोर्ड के अलहदा कम्प्लीट पैटर्न के बारे में बता दिया गया है कि आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने कितने नंबरों की आती हैं और आपने कितनी कितनी अटैम्प्ट करनी होती हैं। अब ये 6 नंबर का आपका सवाल होता है जिसको आपने डिटेल में डिस्कस करना होता है कि उस सवाल के अंदर जो भी मानी बनते हैं एक किस्म की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ही आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हो सकता है आपको कह दिया जाए क्रिटिकल समरी लिखें इस पोएम की, दारेन की, कि आपने समरी ही बयान करनी होती है और हर एक एक पॉइंट को डिस्कस करना होता है। दूसरी जो आपकी चीज़ होती है स्टैंजा, और साथ 3 सवाल दे दिए जाते हैं, तो इस तरह आपको कोई एक स्टैंजा दे दिया जाएगा और उसके नीचे 3 सवाल लिखे हुए होंगे, हर एक एक सवाल 2 नंबरों का होगा। आपने स्टैंजा को पढ़ के समझना है और फिर आपने उन 3 सवालों के जवाब देने हैं। सवाल इस तरह के ही होते हैं कि वो इस स्टैंजा में आखिरी 2 लाइनों में पोइट क्या कहना चाह रहा है, कि इस लफ्ज़ से क्या मुराद है, या फिर इसमें राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, जिनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। और ये आपके टोटल 6 नंबरों का होता है। अभी जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो हर एक एक पॉइंट में पोएट क्या कहना चाह रहा है, इस पोएम का मकसद क्या है, वो आपको बयान कर दिया गया है। आपको हर लफ्ज़ का मानी तो लाजमी आना चाहिए, साथ आपको उसका मतलब, उसका जो मीनिंग क्या है वो भी पता होना चाहिए, पीछे इसका मकसद क्या है। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहले इसके लिखे हुए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहला है हु वॉज ड्रिंकिंग रेन, बारिश कौन पी रहे थे। द लीव्स पत्ते थे जो के पानी पी रहे थे, इसका आंसर है सी। व्हाट वाज मेकिंग द नॉइस स्वीट, आवाज को क्या चीज स्वीट बना रही थी, क्या चीज मीठी बना रही थी या सुरीली बना रही थी, उसका जवाब है डी, ड्रॉप्स ऑफ रेनिंग, रेन फॉलिंग ऑन लीव्स, कतरों का पत्तों के ऊपर जो गिरना है वो एक मीठी आवाज बना रहे थे। व्हेन डिड द सन कम आउट, सूरज कब बाहर आएगा, तो इसका जवाब भी है डी, जब बारिश रुक जाएगी तो फिर सूरज बाहर आएगा, जैसा कि पोएट ने पोएम के अंदर बयान किया है। फिर द राउंड ड्रॉप्स आर ब्राइटेंड बाय, जो गोल कतरे हैं उनको रोशन किया जाता है, कौन करता है, सनशाइन, सूरज की रोशनी उनको रोशन कर देगी। अब ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इसके अगर आप क्वेश्चन आंसर की तरफ आएँ, फॉर एग्जाम्पल 4 जो है, राइट ए क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम, इसमें जो आपका क्वेश्चन 4 है, राइट अ क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम, इसमें आपने थोड़ा तनकीदी
एक तारीफ करनी है पोएम की, लेकिन ज़रा डिटेल में और एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जवाब हम कुछ इस तरह लेंगे कि इसमें जो शायर है वो इंसानी सिस्टम को, दुनिया के निज़ाम को एक बारिश के मंज़र में बयान कर देता है, ठीक है, मेटाफोरिकली वो बयान कर रहा है एक दुनियावी सिस्टम को। और वो कहता है कि जैसे बारिश हो रही है वो वैसी है जिस तरह दुनिया का करंट निज़ाम है कि जो पावरफुल और रिच हैं दे गेट ऑल द रिसोर्सेज फर्स्ट, और उसके बाद जो वीक हैं, जो पुअर हैं, उनको वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा देते हैं। उसके बाद जो पोएट है वो आगे फ्यूचर के लिए बेहतर की उम्मीद कर रहा है कि सूरज निकलेगा, एक नया निज़ाम आएगा दैट विल चेंज एवरीथिंग, एक ऐसा दौर आएगा जहाँ पर ऑल विल बी इक्वल, सब बराबर होंगे और सबको उनके राइट्स मिलेंगे, और वो यही उम्मीद कर रहा है कि वो वक्त अच्छा रहेगा और हमेशा रहेगा, देर पर रहेगा। क्वेश्चन फाइव है, हाउ कैन अ रेनी डे बी इन्जॉयड, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर भी एक बारिश को आप कैसे इन्जॉय कर सकते हैं, इस पर आप राइटिंग की प्रैक्टिस करें, ये आपके सेल्फ राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। आप बारिश में नहा के इन्जॉय कर सकते हैं, बारिश में दोस्तों खेल के इन्जॉय कर सकते हैं, बारिश में वॉकिंग कर सकते हैं, खैर एंड सो ऑन। क्वेश्चन सिक्स है, एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टैंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आपने पहले स्टैंजा को रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करना है। कॉन्टेक्स्ट में इसका मेन थीम ही आपने लिख देना है, जो मेन आइडिया है पोएम का, और रेफरेंस का है हवाला जो आपने देना है कि ये पोएम है द रेन विच इज़ रिटन बाय W.H. डेवीज, जो कि पोएट का नाम है, और थोड़ा सा आपने पोएम का मेन आइडिया दे देना है। अब इसमें बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप फर्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद आपने करना ही है कि आप कोई भी एक ग्रामर की बुक ले लीजिए किसी भी अच्छे पब्लिशर की, और वहाँ से साथ साथ इसको रीडिंग लाजमी करें और लिख लिख के प्रैक्टिस भी लाजमी कीजिएगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।